आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सोमवार रात से ही देश के कई हिस्सों में पीएम मोदी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य गुजरात में हैं। पीएम मंगलवार सुबह सरदार सरोवर बांध भी पहुंचे, जो पहली बार पूरी तरह से भर गया है। प्रधानमंत्री ने रैली में कहा कि आज हैदराबाद मुक्ति दिवस है। 17 सितंबर 1948 में हैदराबाद का विलय भारत में हुआ था और आज हैदराबाद देश की उन्नति में योगदान दे रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना आज साकार हो रहा है। आजादी के बाद जो काम अधूरे रह गए उनको आज हिंदुस्तान पूरा कर रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को 70 साल तक भेदभाव का सामना करना पड़ा, इसका दुष्परिणाम पूरे हिंदुस्तान ने भुगता है। सरदार साहब की प्रेरणा से एक जरूरी फैसला देश ने लिया है, अब नए रास्ते पर चलने का फैसला लिया गया है। हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विश्वास और विकास की गंगा बहाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के, लद्दाख और करगिल के लाखों साथियों के सक्रिय सहयोग से हम विकास और विश्वास की नई धारा बहाने में सफल होने वाले। बीते 100 दिन में अपनी इस प्रतिबद्धता को हमने और मजबूत किया है। बीते 100 दिनों में एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मोदी ने कहा, भारत की एकता और श्रेष्ठता के लिए आपका सेवक पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 100 दिन में हमारी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, इसमें किसान अर्थव्यवस्था समेत कई बड़े फैसलों को लिया गया है। हमारी नई सरकार पहले से भी तेज गति से काम करेगी और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेगी। मोदी ने कहा कि आज सरदार पटेल का सपना पूरा हो रहा है और वो भी उनकी आंखों के सामने, क्योंकि सामने ही सरदार साहब की सबसे बड़ी मूर्ति खड़ी है। इस स्थिति तक आने में लाखों लोगों को योगदान रहा है, साधु संतों की भूमिका भी रही है। प्रधानमंत्री बोले कि आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर पेड़ लगाने का काम होगा। गुजरात में हो रहे सफल प्रयोगों को हमें आगे ले जाना है। मध्य प्रदेश सरकार के अध्यात्म विभाग ने संत समागम का आयोजन किया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर भगवा को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि भगवा पहनकर लोग बलात्कार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, भगवा पहनकर चूरन बेचते हैं, अत्याचार किया जा रहा है। दिग्विजय ने कहा कि धर्म को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, ईश्वर सबका है। भगवा के नाम पर जो राजनीति और अत्याचार कर रहे हैं उनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने आनंद विभाग को अध्यात्म विभाग में बदलकर सराहनीय कार्य किया है। दिग्विजय ने नर्मदा और सिंहस्थ घोटाले को लेकर भी पूर्व शिवराज सरकार पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने जय श्री राम के नारे पर भी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि सीता जी को छोड़कर दिया गया हमें जय श्री राम की जगह जय सिया राम बोलना चाहिए। व्यक्ति अपना परिवार छोड़कर साधु बनता है, धर्म के आचरण करते हुए आध्यात्म की तरफ मुड़ता है, लेकिन आज भगवा वस्त्र पहनकर लोग चूरन बेच रहे हैं। भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं, क्या यही है हमारा धर्म? हमारे सनातन धर्म को जिन लोगों ने बदनाम किया है उन्हें ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि देश हमेशा से अध्यात्म के कारण जाना जा रहा है। इस संत समागम में आकर मुझे संतों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सबको पता है कि संत समागम को लेकर किसी के पेट में दर्द हो रहा होगा। बीजेपी ने संतों का ठेका लिया हुआ था, सरकार ने 9 महीने में अपनी नियत का परिचय दिया है, यह सरकार दिखावा नहीं करती। कमलनाथ ने कहा कि धर्म को लेकर मेरे और कंप्यूटर बाबा के विचार काफी मिलते हैं। मैंने छिंदवाड़ा में मंदिर बनवाया तो बड़ी परेशानी हुई। कमलनाथ ने कंप्यूटर बाबा और संतों की मांगों को लेकर कहा कि जब सरकार उद्योगपतियों को जमीन और पट्टा दे सकती है तो संतों को क्यों नहीं देगी। तो मैंने सोचा बड़ी खुशी का दिन है, हर्ष का दिन है, पर किनके पेट में आज दर्द हो रहा होगा, समझ गए ना? जिन्होंने
प्रचार किया था कि हमने ठेका लिया हुआ है धर्म का, साधु संतों का हमने ठेका लिया हुआ है। अगर हम मंदिर जाते हैं, हम ऐसा सम्मेलन करते हैं, उनके पेट में दर्द हो जाता है। ये आप समझ गए ना मैं क्या बात कर रहा हूं, उनके पेट में कितना दर्द हो रहा होगा कि 15 साल और हमारे 8-9 महीने, 2-2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में चले गए, हमारे लगभग 8 महीने भी नहीं, 6-7 महीनों में हमने जो अपनी नियत का परिचय दिया। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि पूर्व सरकार में सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, कार्य नहीं हुए। कमलनाथ सरकार में गौशाला बनाए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं, पुजारियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। पीसी शर्मा ने कहा कि आज मंगलवार है, जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन मंगलवार था और जिस दिन कमलनाथ सरकार ने शपथ ली थी वह भी मंगलवार का दिन था। मुख्यमंत्री जी ने 1000 गौशालाएं मध्य प्रदेश में बनाने के आदेश दे दिए हैं। मैं होशंगाबाद जिला का प्रभारी हूँ, 5 भूमि पूजन मैंने खुद किए, जाकर वहां पर काम शुरू हो गए हैं और गौ माता की रक्षा तो होगी, उसको चारा मिलेगा, वहाँ पानी मिलेगा और उससे जो गोबर हो उससे खाद बनेगा और रास्ते में जो माँ खड़ी रहती है एक्सीडेंट नहीं होंगे, ये हमारे मुख्यमंत्री जी किया है। इस मौके पर कंप्यूटर बाबा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ संत समाज की 5 मांगे रखी। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि संत समाज को रहने के लिए जमीन और पानी दिया जाए, साथ ही बिजली का बिल भी मुफ्त कर दिया जाए, संत समाज को आयुष्मान योजना के तहत उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने वाले आचार्य देव मुरारी बापू इन दिनों कमलनाथ सरकार से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आश्वासन के बाद भी उनको कोई पद नहीं दिया गया है, जबकि उन्होंने कांग्रेस के लिए जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार किया था। देव मुरारी बापू ने कंप्यूटर बाबा से अपनी जान को खतरा बताया है। उनका कहना है कि कंप्यूटर बाबा के समर्थकों से उनको मारने की धमकी मिल रही है, इसीलिए वो टीटी नगर थाने में बैठकर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। संत समागम को लेकर मुरारी बापू ने कहा कि संत समागम में बहुत सारे संतों को नहीं बुलाया गया है। मुरारी बापू ने कमलनाथ सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने 19 सितंबर तक का समय मांगा था, अगर उनको कोई पद नहीं दिया गया तो वो कोई ठोस कदम उठाएंगे। हमारे साथ एक वक्त मौजूद हैं आचार्य देव मुरारी बापू जी, जिन्होंने बताया है कि उनको कंप्यूटर बाबा से खतरा है, उन्हें सुरक्षा की मांग की है सरकार से। आइए हम बात करते हैं उनसे, किन बात को लेकर आपको खतरा है सरकार से, कंप्यूटर बाबा से आपने बोला? मुझे मंत्री पद न दिया जाए ये कंप्यूटर बाबा ने 10 तारीख को स्पष्ट रूप से चैनल पे बोला है, मैंने उस वीडियो को सुना है कि देव मुरारी बापू को कोई पद नहीं दिया जाएगा, वो साधु नहीं है, बाहर का है, उनको कोई पद नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार का आप शब्द में और मेरे बारे में बोला, तो इसका अधिकृत इसके लिए मुख्यमंत्री हैं, पद दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, मैंने काम किया है नहीं किया है इसका प्रमाण है, कमलनाथ जी को हमने बताया, उन्होंने स्वीकार किया। पिछले 19 अगस्त को हमको एक सुरक्षाकर्मी देकर कहा कि जल्द से जल्द किसी आपको बोर्ड में अध्यक्ष बना दिया जाएगा। इस तब से लेकर के कंप्यूटर बाबा लगातार मेरा विरोध कर रहा है, क्यों विरोध कर रहे हैं वो तो वही जाने, लेकिन उनके विरोध का मैंने जवाब दिया है, मेरे खिलाफत करेंगे तो परिणाम उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। मैंने भी कुछ बोला, बस स्वाभाविक है जब कोई हमारे खिलाफ़ बोलेगा तो हम उसके खिलाफ़ बोलेंगे, लेकिन जब से मुझे मंत्री पद देने की बात सामने आई है मीडिया में और मुख्यमंत्री ने स्वीकार लिया, तब से कंप्यूटर बाबा लगातार मेरा विरोध कर रहे हैं और इसीलिए आज जो आयोजन हुआ है संत सम्मेलन का, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कंप्यूटर बाबा कमलनाथ जी से मिले, देव मुरारी को पद देंगे तो और संत विरोध करेंगे, तो कमलनाथ जी ने कहा कि आप बड़ा सम्मेलन करके देव मुरारी बापू का विरोध करवा दो, हम ये बोलने को हो जाएगा कि देव मुरारी बापू का संत समाज विरोध कर रहा है तो कोई पद देना नहीं पड़ेगा। ये सारा राजनीति के द्वारा, राजनीति से प्रेरित सम्मेलन है, इसमें कोई लोकल संत नहीं है, सब बाहर के इधर उधर राजनीतिक जो कांग्रेसी हैं वही लोग हैं, तो इस प्रकार हमें मेरे यहाँ होने के बाद भी यहाँ पर मुझे नहीं बुलाया गया। मैं जानता हूँ क्यों नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि ये सब लोग ये दिखाना चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ जी हों, पीसी शर्मा हो, जीतू पटवारी हो, ये सब कंप्यूटर बाबा के साथ है, देव मुरारी बापू कोई साथ नहीं है। तो मैं आज घोषणा कर देता हूँ, अगर सम्मेलन करने से कोई बड़ा हो जाता है तो इस महीने के लास्ट तक मैं कंप्यूटर बाबा से बड़ा सम्मेलन करके दिखा दूंगा, उसमें कौन बड़ी बात है। मतलब आपको पद देने, जब पद देने की बात कही गई, आश्वासन दिया गया, उसके बाद से ही आपके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उसको सुरक्षा को लेकर आप यहाँ बैठे? मैंने पीसी शर्मा जी को बीच में फोन भी किया था कि मैं बाहर निकलता हूँ तो तमाम भाजपा के लोग मुर्दा
मुर्दाबाद मुर्दाबाद नारे लगाते हैं और भी तमाम प्रकार के विरोध करते हैं। तो उन्होंने कहा भोपाल आएंगे तो देख लेंगे। भोपाल आए, आते ही मैंने सुरक्षा की बात की, उस पर कोई गंभीरता नहीं है। मैंने आईजी सुरक्षा साहब को लेटर लिखा 13 तारीख को, लेकिन उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। इसकी एक प्रति कॉपी मैंने थाना इंचार्ज महोदय जहाँ पर मैं बैठा हूँ टीटी नगर आपको भी दिया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। ये भी तो एक पुलिसकर्मी है, ऊपर के अधिकारी इनको कोई निर्देश करेंगे तो आगे कार्रवाई करेंगे। तो ये सारी जानकारी आप थाने से भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार के मेरे साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव किया जा रहा है, इससे मुझे आशंका है लोग मेरे साथ कुछ भी कर। अगर आपको अभी भी मंत्री पद नहीं दिया जाता या कोई भी बड़ा पद नहीं दिया जाता तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, अब 19 तारीख को मेरा महीना पूरा हो जाएगा। करना है तो बोले, नहीं करना है तो बोले, हम विरोध करेंगे कि समर्थन करेंगे। 19 तारीख के बाद हम अपना योजना, हमारा अपना विचारधारा बता देंगे। तो कंप्यूटर बाबा से जैसे समर्थक, उनकी कैसी धमकियां दे रहे हैं आपको? जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और क्या देंगे? कंप्यूटर बाबा से टकराओगे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, भोपाल से वापस नहीं जाओगे, सम्मेलन तक हम इंतजार करते हैं। इसलिए मैं थाने में आ गया हूँ, अपनी सुरक्षा के हेतु यहाँ पर मैं बैठा हूँ, मैंने अपने आप को समर्पित किया है। अब यहाँ पर TI साहब हैं और भी सुरक्षा कर्मी हैं, एक PSO हमारे लिए कोई मान नहीं रखता ना, वो सुरक्षा कर ही पाएंगे। उनकी वैसे भी 3 दिन से आज तबीयत खराब है, आज छुट्टी ले ली है, दूसरे PSO किए गए हैं तो उनकी तबीयत खराब, वो वैसे भी मेरी सुरक्षा में अक्षम हो रहे हैं, 2 दिन से बीमार हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो चल रहा है, तो आगे की रणनीति हम जल्दी ही आपको बताएंगे। आचार्य जी संत हैं तो संत राजनीति में कैसे उतर रहे हैं? राजनीति क्यों चाह रहे हैं संत? आप पद क्यों चाह रहे हैं? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कुछ करना हो, देखिए संत भजन करते हैं तो अगर माला हाथ में न हो तो भजन कैसे करें? आपको कहीं बॉर्डर पे युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया जाए, अगर हथियार ना हो तो कैसे आप लड़ेंगे? हम अगर सामाजिक काम करना चाहते, जब तक तो कोई राजनीतिक पद हमारे पास नहीं रहेगा, हमारे पास कोई फंड नहीं रहेगा, ना तो हम गौ सेवा कर सकते हैं, ना आम जनता का भला कर सकते हैं। इसलिए सरकारी जो पद है, मैं मांग कर रहा था सरकार का, हमको बैक मदद मिलती, इसलिए हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा काम करते। नहीं देना है ये सरकार का विषय है तो स्पष्ट कर दें। आखिरी सवाल आपसे कि आप कमलनाथ सरकार से क्या चाहते हैं? क्योंकि आपने चुनाव के वक्त काफ़ी समर्थन दिया था, संत समाज ने कमलनाथ सरकार के समर्थन दिया था, तो आप भी उस समर्थन में शामिल थे कंप्यूटर बाबा जी के साथ, तो आप अब क्या चाहते हैं कमलनाथ सरकार से? आपका आखिरी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगर अभी आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात खुलासा कर दूँ, मैं कंप्यूटर बाबा के साथ नहीं था, मैंने अलग से 15 जिला में काम किया है। कंप्यूटर बाबा 2 सम्मेलन में मुझे बुलाया था, 11 नवंबर को रीवा और 23 नवंबर को जबलपुर, इसके अलावा मैं कहीं नहीं गया। बाकी और 15 जिला में जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है, हर जिला में जाता था, कार्यकर्ताओं से मिलता था, एक प्रेस वार्ता भाजपा के खिलाफ करता था जिसका मेरे पास अखबार न्यूज प्रमाण है। तो मैं कंप्यूटर बाबा के पीछे दौड़ने वाला नहीं, मैंने अलग काम किया। ये बात खुद कमलनाथ जी ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले अपने आवास पर कहा कि आप इस तरह के से अलग से हटके काम करें जिससे हमको ज़्यादा फायदा होगा। मैंने फायदा पहुंचाया, लेकिन मेरे बात को सुनने को कमलनाथ जी तैयार नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी कुछ करना है 2 दिन में कर दें, नहीं करना है तो मने कर दें। तो आचार्य मुरारी बाबू जी का साफ कहना है कि ये जो भी करना है कमलनाथ सरकार को, जो भी पद देने हैं कमलनाथ सरकार को, वो 2 दिन के अंदर दे दें, उसके बाद वो क्या करेंगे वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं आचार्य मुरारी जी। और वो इस वक्त बैठे हुए हैं थाने में, जहां उनका बोलना है कि उनको कंप्यूटर बाबा से खतरा है, कंप्यूटर बाबा के समर्थकों से खतरा है, क्योंकि कंप्यूटर बाबा उनको धमका रहे हैं कि उनको जान से मारने की भी धमकियाँ दी जा रही हैं। हालांकि उनका बोलना है कि हमने कमलनाथ सरकार को अलग से कंप्यूटर बाबा के साथ समर्थन नहीं किया था, अलग से समर्थन दिया था, BJP के खिलाफ समर्थन दिया था चुनाव में। तो कमलनाथ सरकार ने कहा था कि उनको कोई ना कोई पद दिया जाएगा, अब आगे 2 दिन बाद क्या होता है ये देखने वाला विषय होगा। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। टीटी नगर थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने बताया कि देव मुरारी बापू ने सुरक्षा की मांग की है, उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है जिसको देखते हुए उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। और देव मुरारी बापू की मांग है कि उनको और भी सुरक्षा दी जाए जिसके इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में बाबू जी की सुरक्षा में 2 PSO लगे हुए हैं। बाबा ने और अधिक सुरक्षा की मांग करने हेतु IG सुरक्षा PHQ में आवेदन दिया हुआ है और आवेदन की प्रति हमारे थाने पे भी दी थी जिसे संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को भेज दी गई है। मालवा इलाका बाढ़ से जूझ रहा है, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और BJP उपाध्यक्ष शिवराज सिंह बंसौर के ग्राम अलावदा
खेड़ी पहुंचे। यहां ग्रामीणों को संबोधन के दौरान मंच से शिवराज सिंह ने ही बिजली के बिल जलाए। शिवराज सिंह चौहान ने बिजली बिल पकड़े और उन्हें आग सांसद सुधीर गुप्ता ने दिखाई। यहां भी चौहान ने कहा कि तुम्हारा मामा अभी जिंदा है। शिवराज बाढ़ पीड़ितों को अनाप शनाप बिजली के बिल भेजे जाने से नाराज नजर आए। शिवराज सिंह ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ 21 सितम्बर तक राहत नहीं पहुँचाएंगे तो वे 22 सितम्बर को आंदोलन करेंगे। यहीं से शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं भी दी। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस पर हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। उन्हें भारत भूमि पर भेजा है, उनके नेतृत्व में देश विश्वगुरु बने और जनता का कल्याण हो, यही कामना है जो हमारी पूरी हो रही है। वो सतायु हो, दीर्घायु हो और देश का नेतृत्व करते हुए देश को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाए, दुनिया का और जनता का कल्याण करते रहें। बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। बस्तर में बाहरी नक्सलियों के जमावड़े की आशंका से पुलिस हाई अलर्ट पर चल रही है। दरअसल पिछले एक साल में नक्सली संगठन को भारी नुकसान हुआ है, बड़ी संख्या में बड़े नक्सली मारे गए हैं। दूसरी तरफ बेहद महत्वपूर्ण कैडर के नक्सली आत्मसमर्पण करते चले जा रहे हैं। पुलिस फोर्स नक्सलवादियों के सुरक्षित से सुरक्षित ठिकानों तक छापे मारकर पहुंच रही है, जिसकी वजह से नक्सली ना तो नई भर्ती कर पा रहे हैं और ना ही वे ट्रेनिंग कैंप ही लगा पा रहे हैं। नक्सलियों तक गोला बारूद, हथियार भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरतों और रसद तक के लिए इन दिनों संगठन में भारी किल्लत है। ऐसी अव्यवस्था में बस्तर में नक्सली मूवमेंट को कमजोर पड़ता देख अन्य राज्यों के नक्सली बस्तर में एकत्र हो रहे हैं। पिछले एक साल में नक्सली किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए हैं। जो हथियार की बॉडी नंबर हमारे पास में जो हम लोगों ने सर्च किया रिकॉर्ड में, तो हमारे रिकॉर्ड में उस हथियार का बॉडी नंबर मैच नहीं कर रहा, तो इससे ऐसा लग रहा है कि ये जो हथियार है ये छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये किसी दूसरे बाहरी राज्य से लूटा गया होगा और फिर नक्सलियों ने इसे इस्तेमाल किया होगा। इंसास जो होते हैं जनरली एरिया कमेटी रैंक क्या जो लोग होते हैं एरिया कमेटी लेवल पे या PLG में भी जो कमांडर रैंक के होते हैं, तो एक बड़े कैडर जो होते हैं वही इंसास पकड़ते हैं, तो उसने अपना इंसास छोड़ करके उसको लोग उठा कर ले गए। बस्तर में नक्सलियों की मांद में ही उनकी घेराबंदी कर दी गई है। हालत ये है कि मुखबिरी के आरोप लगाकर ग्रामीणों की हत्या कर नक्सली अपनी उपस्थिति दिखाने को मजबूर हैं। नक्सली अब अपने ही लोगों पर भी यकीन नहीं कर रहे हैं। अंदरूनी इलाकों से नक्सलियों के छोटे छोटे मूवमेंट की सूचनाएं पुलिस तक पहुँचने से संगठन बौखलाया हुआ है। ऐसा समझा जाता है कि ये बाहरी नक्सली 2-4 बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर संगठन का हौसला बढ़ाने के साथ ही अपनी मजबूत स्थिति दर्शाना चाह रहे हैं। देश के प्रख्यात कवि माणिक वर्मा का मंगलवार सुबह इंदौर में निधन हो गया। सुबह जब परिवार के लोग उन्हें जगाने के लिए पहुंचे तब पता चला कि वे नहीं रहे। हरदा निवासी माणिक वर्मा पिछले कुछ समय से वे इंदौर में ही परिवार के साथ रह रहे थे। तबीयत खराब होने के बाद भी कविताओं को लेकर वो लगातार सक्रिय बने रहे। माणिक वर्मा जी अपने व्यंगों के जरिए हमेशा मंचों की शान रहे। कुछ समय पहले ही उन्होंने राइटर्स क्लब के मंच पर कविता पाठ किया था। माणिक वर्मा की हास्य कविताओं में छिपे व्यंग करारी चोट करते थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक मांगीलाल और मैंने के लोग खासे दीवाने थे। उनके व्यंग हिला के रख देते थे। सब्जी वाला हमें मास्टर समझता है, धनिया लोगों के 1 रुपये रत्ती जैसे उनकी रचनाएं हमेशा साहित्य रसिकों को उनकी याद दिलाती है। खटिया तेरी भी खड़ी है बुन ले, और जाते जाते एक शेर सुन ले, जाते जाते एक शेर सुन ले कि तुझसे कोई गिला नहीं है आस्ती के सांप, तुझसे कोई गिला नहीं है आस्ती के सांप, हमसे ही तुझको खून पिलाते नहीं बना, हमसे ही तुझको खून पिलाते नहीं बना।
यह घटना दोपहर 1 बजे की बताई जा रही है। शंकर नगर सेक्टर 1 निवासी 73 वर्षीय अरुण वाजपेयी इंडियन आर्मी से रिटायर हैं। उनका विवाद तब हुआ जब कुसुम काटजू अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ी कर रही थी, तभी अरुण और कुसुम के बीच विवाद हुआ। इसके बाद आरोपी अरुण ने जेब में बंदूक निकालकर कुसुम की गाड़ी पर चला दी। गोली गाड़ी के पीछे शीशे पर लगी। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर थाना प्रभारी सुशांत बनर्जी ने पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की बंदूक को भी जब्त किया गया है। छतरपुर के सभी मुख्य मार्गों की हालत खस्ता है। लोग अपनी दुकानों पर बैठे बैठे सड़क तरफ मोबाइल का कैमरा करते नहीं कि एक आध हादसा हो जाता है। सुनने में भले ही यह अजीब लगे लेकिन है शत प्रतिशत सत्य। खराब रोड के कारण हादसा होना छतरपुर में अब आम बात है। इस दृश्य को गौर से देखिए, कैसे बचते बचते वाहन चला रहे हैं। इस ऑटो चालक को भी लग रहा है कि यह आसानी से इस सड़क को पार कर लेगा, लेकिन ये क्या, ये तो अटक गया। अटका ही नहीं, ये पलट भी गया। लोगों ने जाकर ऑटो में बैठे लोगों को बचाया। ऐसा यहां अक्सर होता रहता है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी सड़कों को ठीक करने की है। वो सोए हुए हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को घायल होकर और हड्डियां तोड़वाकर उठाना पड़ रहा है। सागर लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी रति राम अहिरवार को राजनगर की गढ़ी कार्यालय में किसान पन्नालाल पटेल से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। पन्नालाल पटेल कपिलधारा कपू निर्माण के लिए पटवारी के पास गया था। इसके लिए पटवारी ने 10,000 रुपए की मांग की थी, जो 3,000 लेने पर पटवारी राजी हो गया। उड़द की फसल के अफलन की रिपोर्ट बनाने के लिए भी 2,000 रुपए की पटवारी द्वारा मांग की गई। कुल 5,000 के लिए पटवारी ने किसान पर दबाव बना रखा था। पटवारी के दबाव बनाने पर किसान ने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त पुलिस से की। कुगा के कपलधारा के उसमें और उर्दा की खेती के बारे में, सूखा के उर्दा के वो डलने थे तो इसलिए पैसे मांग रहे थे। अच्छा, इसलिए पकड़वाया। पन्नालाल ने अपने ग्राम के साथी उमाशंकर पटेल से मिलकर लोकायुक्त सागर से 10 दिन पूर्व इस बात की शिकायत की थी, जिस पर सागर लोकायुक्त पुलिस ने राजनगर की गढ़ी कार्यालय में 5,000 रुपए पटवारी रतिराम अहिरवार को देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। गौरतलब है कि उक्त पटवारी पूर्व में भी भ्रष्टाचार की कार्यवाही में फंस चुका है। आज हमने ट्रेप की कार्रवाई की है। राजनगर तहसील में गोमा कला है और उसमें पटवारी है रतिराम अहिरवार, गोमा कला हल्का नंबर 19। और जो आवेदक है पन्नालाल पटेल, उनसे उपरोक्त की सर्विस सूची में नाम दर्ज करने और पूर्व में कुआ हुआ का जो पैसा स्वीकृत हुआ उसके दोनों के एवज में जो है वो रिश्वत की मांग कर रहे थे। 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी, हमने तस्दीक किया, सही पाया और आज ट्रेप की कार्रवाई की और 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ाया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अलग ही अंदाज में मनाया। रामेश्वर शर्मा ने भोपाल के विभिन्न तालाबों पर मूर्ति विसर्जन करने वाले नाविकों को लाइफ जैकेट का वितरण किया। युवा सदन कार्यालय पर लाइफ जैकेट का वितरण किया गया। इस दौरान विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि खटलापुरा की दुर्घटना में जिन 11 युवकों की जान गई, अगर उनके पास लाइफ जैकेट होती तो इतने बड़े हादसे को टाला जा सकता था। इस दौरान विधायक रामेश्वर शर्मा ने शासन प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि आगामी दुर्गा महोत्सव में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि संसाधन होने के बावजूद इस प्रकार की दुर्घटनाएं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। कि यहाँ के हमारे जो भोपाल में बड़े तालाब के आसपास जो हमारे केवट समाज के बाथम और हमारे रैकबार और तमाम जो बंधु यहाँ रहते हैं, जो तैराक भी हैं, इनको लाइफ जैकेट इसलिए दी है कि चाहे गणेश जी की, दुर्गा जी की या अन्य कोई विसर्जन के, या कई लोग तालाब में नहाने या शौकबद्ध जो है तैराक करने चले जाते हैं और वो इतना नहीं तैर पाते हैं और कोई घटना दुर्घटना के शिकार होते हैं, तो उस समय ये मौके पर रहते हैं तो ये फट से उनको बचाने का काम करते हैं, तो ये भी सुरक्षित रहें और इनके पास लाइफ जैकेट रहेगी तो ये ज़्यादा मेहनत के साथ उनको बचा सकते हैं। ये नज़ारा सीहोर का है। बारिश के कारण सीहोर के जावर में नेवज नदी अपने उफान पर है, जिसके चलते पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसे में पाइप पर बैठकर पुल पार कर रहा ये युवक फूल सिंह अचानक नदी में गिर गया और पानी के तेज बहाव में बहने लगा। कड़ी मशक्कत के बाद युवक ने तैरना शुरू किया और किनारे की तरफ आया। इस बीच लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर युवक को पकड़ा, तब जाकर युवक की जान बच पाई। कई बार ऐसी छोटी छोटी लापरवाही जानलेवा साबित हो जाती हैं। इस मामले में भी जरा से जल्दबाजी और फिर जरा सी चूक युवक पर भारी पड़ सकती थी।
सिंधु सेना ने पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले सेवा संकल्प सप्ताह का आयोजन किया, जिसके तहत सिंधु सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे पहनकर केक काटा। इस कार्यक्रम में भोपाल महापौर आलोक शर्मा और पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह के साथ सिंधु सेना के अध्यक्ष राकेश कुकरेजा मौजूद रहे। इस मौके पर सिंधु सेना के कार्यकर्ताओं ने हाथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टैटू भी गुदवाया। साथ ही धारा 370 हटने पर खून से प्रधानमंत्री मोदी का टैटू बनाया और उस पर शुभकामना संदेश लिखकर भेजा। इस मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर में भी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। देश हर्षोल्लास भरे वातावरण में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 69वां जन्मदिन हर्षोल्लास भरे वातावरण में मना रहा है। भोपाल में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को स्वच्छता सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी खासतौर से एक हफ्ता सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। हमने सफाई अभियान, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य कैंप वगैरह भी लगाए हैं। आज यहाँ राकेश कुकरेजा जी ने यहाँ 69 फिट लंबी ये केक काट के आज यहाँ प्रधानमंत्री मनाया। हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न्यू मार्केट हनुमान मंदिर खेड़ापति है वहाँ 69 केजी का लड्डू बजरंग बली चढ़ाई है। नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु की प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के पूर्व दिवस पर हमने यहाँ पर 69 फीट लंबा केक काटकर उनके जन्मदिन मनाया। साथ में हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी यहाँ किया है। थैलेसीमिया के लिए ब्लड की ज़रूरत हमेशा बच्चों को पड़ती रहती है। सेवा कार्य करते हुए हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। साथ में हमने अपने रक्त से मोदी जी को 370 धारा हटाने पर धन्यवाद ज्ञापित किया और मोदी जी का टैटू अपने रक्त से बनवाकर उनको हम यहां से पोस्ट के माध्यम से, वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।